बीपीएससी के अंदर जो बैठे हुए धांधलीकर्ता अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी गिरफ्तारी होने किया जाए जिन्होंने ये धांधली किया है, और तत्काल प्रभाव से अच्छे अधिकारियों का चयन किया जाए। इसके लिए तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इस बार तो अच्छे अच्छे अधिकारियों का अलग अलग विभागों से चयन करके लाना चाहिए, उसके बाद इसका पेपर कराना चाहिए, भले 2 महीने बाद पेपर हो, लेकिन पहले एक गठन होना चाहिए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो कि साफ और स्वच्छ भर्ती करा सके। जिधर दोस्त आप लोगों को बता दें बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती हुई है, इसमें फर्स्ट वाले में भी बहुत अधिक धांधली देखी गई, और सेकेंड वाले में आपको भाषा अर्था को शुद्ध कर दिया गया, उर्दू और बांग्ला के जगह आपके हिंदी का पेपर दिलाया गया था, और जो कैंडिडेट भर्ती होके आज शिक्षक बने हैं आप उनके करतूत देख लीजिए। कि क्या वो किस हिसाब के शिक्षक हैं और क्या शिक्षा दे रहे हैं बिहार राज्य में, बिहार राज्य को किस आधार से प्रगति देंगे। ऐसे लोग जो पूरी तरीके से बिहार राज्य को बदनाम करने में जुट गए हैं, उनको हम बिहार राज्य को बदनाम नहीं होने देंगे, बिहार राज्य के लिए कार्य करेंगे, ऐसे कार्य जहाँ पे सभी का भलाई हो, हर एक स्टूडेंट जो हमारे बिहार राज्य से निकले वो जाके आगे चल के अच्छे पद पे स्थापित हो, तथा जो खिलाड़ी निकले वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाके हमारे बिहार राज्य का नाम रोशन करें। इसलिए ऐसे धांधली पूर्वक टीचरों को तुरंत हटाया जाए। 600 से अधिक धांधली के टीचर जो हैं वो आपको पकड़े गए मुजफ्फरपुर में, और 40 शिक्षक जो है अभी तक भागलपुर से फरार हो चुके हैं। अभी इनके कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जबकि आपको बता दें भागलपुर के ये जो 40 शिक्षक फरार हैं ये वापस नहीं आने वाले। गया, अन्य जगहों पे, अन्य अन्य जिलों में, कई प्रखंडों में टीचर फरार चल रहे हैं, और वो अपने कोशिश में यही लगे, जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी उनकी नौकरी बच जाए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का नौकरी से निकाला ना जाए, अपराध का कोई भी उनके ऊपर मामला ना दर्ज हो जाए। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं बाहर से जाकर जुगाड़ लगा रहे हैं जहाँ से उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, ये लड़के जो फरार है इनको अगर किसी प्रकार से बचाया जाता है तो इसमें हर हालत में आपको हम बता दें कि सरकार की मिलीभगत है। जो शिक्षक भर्ती हैं आज डांस कर रही है, इतना बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डांस कर रही है, ओए होए 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 क्या डांस कर रही है, इनकी डांस देखिए, यही इनकी शिक्षा है, शिक्षक की योग्यता यही है। और मैंने कहा है ना, इनका एक बार डांस तो देखिए आप, कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़ी कांको लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने भी बताया कि गुरु सबसे ऊंचा है, जो भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बताता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है तो गुरु है, उसके चरणों को प्रणाम करो। तो क्या ऐसे डांसर के चरणों को प्रणाम करना शोभनीय होगा? क्या ऐसे टीचरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिहार सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि शिक्षा देने के बजाय स्कूलों में जाके स्वयं डांस कर रही है? क्या यही स्किल सिखाने के लिए गई है, डांस की स्किल सिखाने के लिए टीचर गई है कि अपना एजुकेशन देने के लिए? इनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी हम आपको बताएं, अभी भी कई ऐसे अवैध टीचर हैं जो किसी न किसी रास्ते से बच चुके हैं और छुप के बैठे हुए हैं, इनको जाँच करके बाहर निकालिए। और हम लोग की लड़ाई तो जारी रहेगी भाषा अर्था लेके, हर चीज। हमें विश्वास है कि शिक्षा मंत्री को हटा देने से ये दोषी नहीं होंगे जाएगा इस बार, कि जो शिक्षा विभाग में घपला हुआ है वो लालू प्रसाद यादव ने किया है, घपला जो किया है वही रहेगा, लालू प्रसाद यादव इस बार नहीं आने वाले हैं। खेला आप लोगों का बहुत पुराना हो गया, लालू प्रसाद यादव को फंसाने का वो खेला नहीं होने देंगे हम दोबारा। और बिहार राज्य में जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर डंडा चलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी लड़ाई हमारी जारी है। और मैं बार बार तेज प्रताप भैया को और तेजस्वी भैया को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुले मंच पे आइए, कब तक पिताजी के आड़ में आप लोग अपनी सत्ता को चलाते रहेंगे? याद रखिए, अपना दम होगा तब सत्ता चलती है, और पिता के दम पे तो कुछ ही दिन सत्ता चला पाएंगे। सर, आपके अंदर योग्यता है, मैं जानता हूँ, वो सारी योग्यताओं को मैंने देखा है। अगर आप चाहो तो इस भर्ती को साफ और स्वच्छ करा के आगे आने वाले भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कर सकते हैं। उनमें अधिकारियों को गिरफ्तार करिए जो अधिकारी इसमें शामिल थे। आपको पता होगा बिहार राज्य में
अडवाणी जी को जब गिरफ्तार किया गया था, वो अधिकारी जो गिरफ्तार किया था आज भाजपा के शरण में बैठा हुआ है। तो ऐसे ही अधिकारी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ढूंढिए, ढूंढ के निकालिए उन सभी को। अगर नहीं ढूंढ के निकाल पाएंगे सर, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि ये भी आपके सत्ता को खा जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सत्ता को लोगों ने खा गया। हम लोगों की केवल सीधी मांग है, हमें आपसे लड़ाई नहीं है, यही मांग है कि इस भर्ती में धांधली हुई है, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो और इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः कराया जाए। 1.0 और 2.0 दोनों भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से कराया जाए और इसके बीपीएससी के अंदर जो बैठे हुए धांधलीकर्ता अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी गिरफ्तारी होने किया जाए जिन्होंने ये धांधली किया है, और तत्काल प्रभाव से अच्छे अधिकारियों का चयन किया जाए। इसके लिए तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इस बार तो अच्छे अच्छे अधिकारियों का अलग अलग विभागों से चयन करके लाना चाहिए, उसके बाद इसका पेपर कराना चाहिए। भले 2 महीने बाद पेपर हो, लेकिन पहले एक गठन होना चाहिए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो कि साफ और स्वच्छ भर्ती करा सके, जिनकी छवि अच्छी रही है उनका तलाश किया जाए, उनको लाया जाए और उनके द्वारा पेपर करवाया जाए, तब जाके ये भर्ती प्रक्रिया सफल हो पाएगी। और हमें विश्वास है कि हमारे जो शिक्षकगण है सभी लोग यही चाहते हैं। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि साफ और स्वच्छ भर्ती के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसमें साफ और स्वच्छ अलग अलग जगह से अधिकारियों को च्वाइस करना चाहिए, वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर जगह से च्वाइस करके एक पार्टी का एक टीम की गठन होना चाहिए और उस टीम के द्वारा ही पेपर लिया जाए। हमें विश्वास है कि इसके लिए सभी लोग तैयार हैं और हम सभी जानते हैं कि इस बार भाषा अर्हता को लागू भी किया जाएगा, साथ में हिंदी किसी से जबरन सॉल्व नहीं कराया जाएगा, जैसे उर्दू और बांग्ला वालों को हिंदी सॉल्व कराया गया था, और उर्दू वालों और बांग्ला वालों के ही दम पे ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो सकती है और पुनः इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि एकदम उर्दू और बांग्ला से साफ सिद्ध होता है कि बीपीएससी की पूरी तैयारी नहीं थी भर्ती प्रक्रिया को आयोजन कराने की, लेकिन जबरन बीपीएससी ने इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराया और शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तालमेल अच्छे नहीं थे। इस बार भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके बीपीएससी और शिक्षा विभाग को आपसी बैठ के अच्छा से 1 महीने मीटिंग करनी चाहिए, अच्छे तालमेल करने चाहिए, एक टीम जो साफ और स्वच्छ भर्ती कर सके ऐसे टीम का गठन करना चाहिए, ऐसे स्कूलों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे शिक्षक अकी उसमें धांधली से बच सके या उस धांधली से बचा सके, ऐसे लोगों को लगाना चाहिए कि जो साफ और स्वच्छ भर्ती कराए। आपको पता है कि अभी पेपरों में आपका फिंगरप्रिंट्स का भी निशान लिया गया था, फोटो मिलान भी किया गया था, आधार कार्ड से भी चेकिंग किया गया था, उसके बावजूद अवैध लोग कैसे आगे पहुंच गए? इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अवैधता किए हैं वो गलत लोग थे और वहाँ से गलत लोग बचाने का काम किए हैं। जो फिंगरप्रिंट लेने आए उसमें से भी कुछ लोग मिले हैं हुए होंगे जो कि इन लोगों को बचाए और यहाँ तक पहुँचाने का काम किए। इनके लिए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एकदम 100% ये जरूरी है कि शिक्षा विभाग में अगर साफ और स्वच्छ भर्ती कराना है तो इसकी जांच होना आवश्यक है और सरकार द्वारा ही इस पर जांच होगी, नहीं तो सीबीआई की मांग हमारी चल रही है कि सीबीआई जांच की मांग हो। भाजपा के बहुत प्रमुख नेता हैं जो बार बार आके इस बात को रख रहे हैं, लेकिन वो केवल हमारी लड़ाई में प्रवेश करके अपना चुनाव का रास्ता बनाना चाहते हैं, जबकि पता है कि भाजपा केंद्र में बैठी हुई है और उनकी एक आवाज़ पे इस पर सीबीआई जांच बैठ सकती है, लेकिन ये नेता केवल बिहार में चुनाव के दौरान वोट का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, कृपया कर आप हमें चुनाव का जरिया मत समझिए, हम चुनाव के जरिया नहीं बनने वाले। अब हम भी पढ़े लिखे जवान हैं, हम लोग भी को भी पता है कि किस आधार से हमें अपने देश को बढ़ाना है, किस आधार से बिहार राज्य को बढ़ाना है और किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। और आपके फालतू बहकावे से हम बहकने वाले नहीं हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं आपको वोट दे तो हम लोग वोट भी देंगे जब आप सीबीआई जांच इस पर बैठाएंगे, नहीं तो हमें मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है कि इस पर सीबीआई जांच बैठाएं और सही साफ स्वच्छ भर्ती कराएं। जय हिंद, जय भारत।